सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल टेकीराज को और इस बेल आइकन को दबाएं इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग जो है घर बैठे हुए ऑनलाइन कैसे आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको ये लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, इसे क्लिक कर लीजिएगा और उसके बिल्कुल बगल में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उससे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट पे आपको जाना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देके रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो जैसे आप ये वेबसाइट में जाते हो तो पैनल कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप जान लीजिए आपको किस किस चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यूज़र आईडी आपके पास होना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड जिसे हम साइन ऑन पासवर्ड भी कहते हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, आपको ये तीन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा नेट बैंकिंग एक्टिवेट करवाने के लिए। तो यदि ये तीन आपके पास नहीं है तो आपको ये तीन चीज़ें जो है जाके आपने जो ब्रांच में आपने बैंक अकाउंट खोला है वहाँ से जाके आप ले सकते हो ये तीन चीज़ें अपने अकाउंट के लिए। तो ये आपके पास हो जाता है तो आप ऑनलाइन एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास ये है तो अभी चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पेज खुलेगा, आपको ये पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिटेलर, रिटेल यूज़र और कॉरपोरेट यूज़र दिया गया है। तो यहाँ पे आपको रिटेल यूज़र पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ये पेज ओपन होगा। तो ये पेज ओपन में आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे यूज़र आईडी आपको डालना होगा, यूज़र आईडी डालिए जो आपको बैंक से मिला है और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, लॉगिन पासवर्ड आपका साइन ऑन पासवर्ड जो पासवर्ड आपको बैंक ने दिया है। देने के ये दोनों डालने के बाद एंटर पे क्लिक कीजिएगा। एंटर पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन में आपको क्या करना होगा, ये बताया जा रहा है कि ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आपको बता रहा है कि आप अभी तक एनरोलमेंट नहीं हो, रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको एनरोल नाउ पे क्लिक करना होगा। एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर एनरोलमेंट, तो सिक्योर एनरोलमेंट आपको ये फिलअप करना होगा। योर पर्सनल मैसेज आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो ये यहाँ पे आप एक कोई भी सेंटेंस बना के डाल दीजिएगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ ए ट्रस्टेड बैंक और बैंक कंपनी दे सकते हो, या फिर आई लव बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको 15 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया गया है और ये 15 में आपको 5 जो है ये आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलेज डेट यू स्टडी इन, तो वो कौन सा कॉलेज था जिस कॉलेज में आप पहली बार पढ़े थे, ठीक है, तो उसका नाम दे दीजिए। 5 आपको ये टिक मार्क करके 5ों भरना है। 5ों भरने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने क्या क्या भरा है। इन फ्यूचर यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या फिर कोई भी प्रकार का दिक्कतें आती है तो आपको अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा, इनकेस आप अपना पासवर्ड या फिर अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो तो। तो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है जो जो आपने आंसर किया है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करते हो आप तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एग्जिस्टिंग साइन ऑन पासवर्ड आपको जो बैंक से मिला है साइन ऑन पासवर्ड वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और न्यू साइन ऑन पासवर्ड तो एग्जिस्टिंग तो आप यहाँ पे डाल दीजिए जो आपको मिला है, उसके बाद आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो पुराना डाल दीजिए बैंक से मिला वाला, उसके बाद में यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए एक, फिर से सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो आपको बैंक से मिला है ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों ध्यान रहे कि ये न्यू साइन इन पासवर्ड जो आप अभी बना रहे हो ये जो आप डालोगे, ये डालने के बाद ध्यान में रहे कि वो आपको याद हो, ताकि आपका ये जो बैंक से आपको मिला है वो तो काम नहीं लगेगा क्योंकि ये आप चेंज कर रहे हो अभी, तो नया वाला काम लगेगा। तो एक जगह पे कॉपी करके या फिर आप अपने दिमाग में उसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो बैंक से आपको मिला है वो यहाँ पे डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप फिर से यहाँ पे डाल दीजिएगा और अभी आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करना होगा। नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, फिर से यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड, योर साइन ऑन पासवर्ड हैज बीन चेंज, योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज आल्सो बीन चेंज। तो आपका जो लॉगिन पासवर्ड है, साइन ऑन पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। जो आपने चेंज किया वो एक जगह पे आप कॉपी करके रखिए ताकि आप बाद में ना भूलें।
तो जैसे आप ओके पे यहाँ पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा। तो ये पेज में अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से, ठीक है, ये वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, यूजर आईडी डालना होगा, जो यूजर आईडी आपको बैंक से मिला था वो डाल दीजिए और यहाँ पे एंटर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अभी आपको क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना होगा, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक पे दिया था रजिस्टर मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर रिसीविंग ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, और वो करने के बाद आपके मोबाइल में जो आपको ओटीपी मिलेगा वो ओटीपी यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। ओके, फिलहाल तो आपको ओटीपी मिलेगा, सबमिट फॉर रिसीविंग ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट इज अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एक्सपेंडिंग ईयर आफ्टर ईयर, हाउएवर लार्ज। तो दोस्तों जैसे ही ये पेज खुलेगा तो आपको अभी क्या करना होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबमिट फॉर रिसीविंग ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ आपको ये पेज ओपन होगा। तो ये पेज में आपको क्या करना होगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में मिल गया होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। सबमिट पे सिंपली आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन होगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, यूजर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए अपना, साइन इन पासवर्ड जो आपने चेंज किया था वो वाला डालिएगा, क्योंकि पुराना वाला तो अभी काम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया जा रहा है, तो आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, या फिर यहाँ से लेके सिंपली डाउन आप चले जाइए। जैसे आप नीचे चलते हो तो ये आपको पेज ओपन होगा, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेलकम टू द बैंक ऑफ बड़ौदा, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड जो है चेंज सक्सेसफुली हो चुका है। तो यदि आप अभी नेट बैंकिंग का होम पेज में जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हो तो ये आपका अभी नेट बैंकिंग जो है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ से अभी नेट बैंकिंग से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बैंक अकाउंट में, और बिल पेमेंट यानी कि आप अपना पोस्टपेड पेमेंट कर सकते हो, या फिर गैस का बिल पेमेंट कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, काफ़ी कुछ कर सकती हो यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में खुल चुका है, इसका फ़ायदा आप उठा सकती हो। और दोस्तों आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हो बैंक ऑफ बड़ौदा से, कैसे बिल पे करना है, कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, सारा कुछ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि कोई भी सुझाव हो तो, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल भी फ्री है। थैंक यू सो मच, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।